तने जी एक फोटो दे। ओके गाइस ये अभी शब्द दो ना। वन सेकंड यू। चल ना चल ना। आजा। ओके सो आज एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी करी है आपने नीचे, तो कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में कि क्या कुछ हुआ है नीचे, उसके बारे में बताइए। पहले तो आई थिंक बायो ऑयल के साथ ये जो एक्टिविटी है इट इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग लिटरली। तो आई थिंक कि हम लोग यू नो आई एम अ न्यू मदर, यू नो आई हैव अ 6 month old, लेकिन आई मेट मदर्स हु आर एक्सपेक्टिंग एंड द जर्नी जो मेरी थी और जो उनकी है, उनसे बात करके ये पता चला कि हम अकेले नहीं हैं। सारी दुनिया जितने भी माएँ हैं दे ऑल गो थ्रू देयर यू नो देयर हार्डशिप्स एंड दे ऑल ऑल्सो गो थ्रू दैट ब्यूटिफुल जर्नी। सो इट्स रियली गुड। तो हमने ये बातचीत की, ये एक्सपीरियंस किया एक दूसरे के साथ, वेदर इट वॉज़ अबाउट चेंजेस इन द बॉडी, वेदर इट वॉज चेंजेस इन इमोशनली, मूड स्विंग्स, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन जो आपको कोई नहीं बताता, जो सिर्फ आप जब एक्सपीरियंस करते हैं आपको पता चलता है। ओके कितनी मेमोरीज रिकलेक्ट की हो ना जब आप शेयर कर रहे थे बहुत तो। सारी आई थिंक जितने मैंने मदर्स से बात की और टू बी मदर्स से बात की, उनसे यही पता चला कि सबके एक्सपीरियंसेस वेरी सिमिलर भी होते हैं और वेरी डिफरेंट भी होते हैं ऑन मैनी लेवल्स। यू नो थैंकफुली मुझे लाइक मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, ऐसे कोई मदर्स थे जिसको मॉर्निंग सिकनेस थी, तो देर आर सम थिंग्स दैट आर डिफरेंट बट द होल पैकेज इज़ द सेम। यू नो वेदर इट्स बैक पेन, वेदर इट्स लाइंग ओनली ऑन योर बैक एंड स्लीपिंग, आई मीन फॉर मी मेरी आदत थी हमेशा पेट पे लेट के सोना, विच आई कुडंट डू, तो आई यू नो एंड लैक ऑफ स्लीप। सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते व्हेन व्हेन यू आर नॉट अ प्रेग्नेंट पर्सन और व्हेन यू आर नॉट अ मदर। ओके सानिया और एक चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है पेरेंटहुड कितना एंजॉय कर रही है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, लग नहीं रहा कि मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं ही इज़ आई एम इन लव, लाइक आई एम सो इन लव एंड इट इज़ द मोस्ट सेल्फलेस काइंड ऑफ लव दैट आई हैव एवर नोन, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ लव आई हैव एवर नोन एंड आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड आई यू नो आई कांट थैंक गॉड इनफ फॉर ब्लेसिंग मी विद सच अ ब्यूटिफुल बेबी। चेंजेस कितने आए हैं यू नो बेबी के बाद? आए हैं ऑफ कोर्स, चेंजेस कैसे नहीं आएंगे, आपको रात में नींद के चेंजेस हैं, यू नो आपका हर जो स्केड्यूल होता है वो सारा बेबी के अतराफ यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मैनेज इट। तो चेंजेस तो आए हैं लेकिन दे ऑल फॉर द बेटर, आई थिंक देव मेड मी अ बेटर पर्सन, देव मेड मी देव इवॉल्व मी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू नो आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। ओके मदर्स डे भी आ रहा है अब, फाइनली आप भी मदर बन चुकी हैं, तो वो कैसी फीलिंग है ये ना? बहुत अच्छी, आई थिंक मैं मदर्स डे को अब दिल से अप्रिशिएट कर सकती हूँ बिकॉज आप अब समझ सकते हैं कि द काइंड ऑफ थिंग्स दैट योर मदर्स एंड योर पेरेंट्स हैव डन फॉर यू। सो या सो आई थिंक मदर्स डे इज समथिंग दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ इमोशन फॉर मी राइट नाउ, स्पेशली इट्स माई फर्स्ट मदर्स डे। ओके सानिया ऑल्सो अभी 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 हाल ही में आप एक अनस्टॉपेबल अनन्या बिरला के अनस्टॉपेबल सिंगल्स में नजर आई थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि इंस्पायरिंग स्टोरी है, इंस्पायरिंग वुमेन्स है उसमें, तो उसके बारे में मदर्स डे का सिर्फ रखते हैं। ओके क्या एक बार रिवर्स करें? ठीक है नहीं बस नहीं करना ओके लास्ट टू क्वेश्चंस। या ओके सो सानिया जैसे कि आपने मदर्स के बारे मदर डे के बारे में बताया कि आप यू नो बहुत ही स्पेशल रहेगा, आप अपने मॉम के लिए क्या कुछ स्पेशल करने वाली हैं? मैं होपफुली मेरे मॉम के साथ रहूँगी मदर्स डे अगर इफ़ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, लेकिन आई ट्राई एंड स्पेंड टाइम विथ हर क्योंकि ये मुझे करने का मौका बार बार नहीं मिलता बिकॉज वी डोंट इवन लिव ऑलमोस्ट इन द सेम हाउस यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आई एम ट्रैवलिंग सो मच एंड शी हैज़ अ ओन थिंग, तो दिस टाइम इफ आई एम देयर आई विल डेफिनेटली टेक हर आउट एंड आई विल टेक माई सन अलॉन्ग इज़ वेल क्योंकि आई थिंक दैट इट विल बी 3 generations एंड आई मीन आई एम अ मदर टू सो इट्स माई मदर्स डे इज़ वेल। ओके और इसके अलावा यू नो कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो उसकी कुछ स्पेशल प्लानिंग की है? स्पेशल प्लानिंग कुछ नहीं होती रमज़ान की, आप यू नो इट इट्स गोइंग टू बी आई एम एट होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइक आई सेड फॉर रमज़ान, सो आई बी एबल टू फास्ट ऑल द इंशाल्लाह 30 fasts एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू।
just on the left side. चल समीर भी होंगे क्या ऋषि Yeah. Just come here. But they've got good light. Come here in the middle only. Where he was, no? Whatever you're getting, just take that. Thank you. Hi. How are you? Okay, Neha. So, आज एक बहुत ही lovely activity की है आपने नीचे bio wall के लिए कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? I think जब भी आप you know mom से especially ever since I've become a mother if I get the opportunity of meeting moms or women who are on their way to becoming moms it's always fantastic for me aur jaise aapne kaha ki bahut lovely activity I think it's about understanding each other aap kahin pe bhi chale jaye once you become a mom whether you're spending time with your husband or whether you're spending time with your friends it's only the ones who actually have become moms who realize how beautiful and at the same time how sensitive and how demanding our lives end up becoming एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा मेमरीज नहीं थी वी वर टॉकिंग अबाउट बायो ऑयल और जैसे आप देख सकते हैं अनस्ट्रेच जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं जब मैं प्रेगनेंट थी तब भी मैंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बात की थी एंड इट्स अबाउट ऑल द पीपल हु लव यू ऑल द पीपल हु हैव बीन अ मैटर ऑफ सपोर्ट टू यू तो हमने वो सारी बातें की अब जाके मेरी बेटी ऑलमोस्ट 5.5 महीने की हो गई है तो यू नो टाइम फ्लाइज बट शी इज़ अ बिग गर्ल नाउ द लास्ट टाइम आई वॉज डूइंग एन एसोसिएशन वॉज डेफिनेटली वैन यू नो आई वॉज प्रेगनेंट एंड स्टिल कैरिंग हर और जब हमारी बात हो रही थी ऑफकोर्स द वन मेजर चेंज दैट यू सी इज़ अ चेंज इन योर बॉडी देर आर चेंजेज इन योर hormones is no control over that and there's a huge change that comes in your body aur main unko bata rahi thi that you know you can your size can go up and down but you know it's a tough one sometimes to live with the one incurable solution which is stretch marks to uski bhi baat hui but my solution was all cured because I was definitely using bio oil and the good thing was that as to they say that you don't need very much but I was just going a little overboard also because I like the way it feels so I was just putting it all over my body thoda zyada kiya but it's all worth it because I'm on a good wicket right now jaise ki aapne kaha you know you're now mom to ye motherhood kitna enjoy kar rahi hain aur kya kuch change laya hai is bahut kosh agar aap puche it's the world my world has changed like you know nights are not nights anymore days are not days anymore love has a new definition you know I have so much more compassion for everyone around me and I love someone infinitely more than I've ever loved anything anyone or even myself to agar ye to matlab sabse choti change hai aur baki alag alag cheezon ki wajah se aur changes aa chuke hain but it's very hard to describe but you know it's a little joys it's a little pleasures it's the little struggles that you have and it's the big responsibility to
वो तो कभी भी नहीं जाएगी अब, पर जस्ट टू वेक अप एंड सी हर स्माइल, मतलब वो दिन में चार बार उठती है क्योंकि वो चार बार सोती है और फिर वो आँख खोलती है, एंड शी स्ट्रेचिंग एंड आई एम स्टैंडिंग एंड जस्ट वेट फॉर दैट स्ट्रेच एंड इट्स जस्ट माय हार्ट मेल्ट्स एवरी टाइम. अभी भी जब हम बात करें मुझे उसकी शक्ल दिखाई दे रही है. अगेन यार, बीइंग अ पार्ट ऑफ यू नो बॉलीवुड, कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग मदर जो आपको बहुत ही इंस्पायर करती है फ्रॉम बॉलीवुड? बहुत ज़्यादा. आई थिंक द टाइम हैज चेंज, पीपल हैव बिकम सो एक्सेप्टिंग. एक वो जो होता था कि नहीं, एक बार माँ बन जाओ तो आपका करियर नहीं होगा, एंड यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर. इट्स जस्ट मे बी लाइक लिटरली आई वॉज यू नो आई वॉज ऑन अ कॉल विद माई एडिटर एंड आई टोल्ड हिम लिसन आई विल कॉल यू इन वन एंड हाफ आवर्स. मुझे अभी भी याद है, मैं नो फिल्टर नेहा की का एक नया एपिसोड आ रहा था उस दिन मंडे को, एंड माई डॉटर वॉज बॉर्न ऑन संडे. सो आई जस्ट टोल्ड हिम आई विल कॉल यू इन वन एंड हाफ आवर्स. आई वेंट इन, हैड द सर्जरी, बेबी वॉज आउट. आई कॉल्ड माई एडिटर बैक, आई एम लाइक वो यार एडिट कर दे, एंड देन ही कॉल मी बैक सेइंग आई जस्ट सॉ समथिंग ऑन ट्विटर. आई सेड या दैट्स व्हाई आई टुक वन एंड हाफ आवर्स ऑफ. सो यू नो यू रियली डोंट हैव टू स्टॉप डूइंग एनीथिंग यू आर डूइंग. एंड आई वॉज शूटिंग ऑन लाइक द 9th डे आफ्टर गिविंग बर्थ, एंड यू नो as women we're all like you know unstoppable and it's our own journey. That's why jab main pregnant bhi thi, aur believe it or not, you know, I was a part of the Unstretched journey, which is the coffee table book, aur jab mujhe mauka mila tha, I was like yes, I'll share my story with you. And now even like when my daughter was about 4 months old, about 1.5 months ago, I was just having a cup of tea and then I read my own story and I was like, in a strange way it's inspiring me. So you know, one woman to another, कहीं पे भी, विद एनी लिटिल स्टोरी, एनी लिटिल एनेक्डोट, इफ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, व्हाई नॉट. ओके, यू नो अभी तक क्या आप मदर्स डे सेलिब्रेट करती थी, अब आप भी मदर बन गई है, तो वो स्पेशल फीलिंग है कुछ? यस, आई विश आई कुड स्पेंड मदर्स डे विद माय डॉटर एंड माय मदर, बट यू नो व्हाट द हेल, वी विल बी सेलिब्रेटिंग 3 days लेट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ क्लैशिंग विद माय एनिवर्सरी आल्सो. सो आई जस्ट टोल्ड माय मॉम दिस ईयर आई विल चूज माय हस्बैंड, शी वाज लाइक ओके ठीक है. बट या, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू अ स्पा for about a week, just my mom and my daughter and me, and maybe Angad will visit, or I don't know, if he decides to, it'll be great if he's not shooting and stuff, but that's how we'll celebrate. And we love spending time with each other, the three of us. My daughter gets along with my mom's crazy about my daughter. Meri thodi jo hai standing un dono ke beech mein kam ho gayi hai, because now I'm not priority for my mother, and when her nani's there, then I'm not priority for my daughter. So yeah, thodi sa matlab second. Okay, now lastly, agar aapse pucha jaye ki Mother's Day par ek jo best gift aap apni mom ko de payengi, to wo kya hoga? Most definitely time and attention without checking Instagram when I'm with her. So when I'm sitting and she'll be like, niche rakho phone. I think the bigger Instagram buff is my mom. Okay. So yeah, and she loves Candy Crush also. So the best gift my mother, if she's watching me, if she can spend time with me without playing Candy Crush or checking Instagram or checking Twitter, it'll be great. So without our phones, we can spend time with each other. Yeah. To all the amazing moms out there, need I say more? You're doing the best job in the world. Happy Mother's Day. Thank you so much. Thank you.